स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट एमपी बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिनसे पढ़ाई करके आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि एमपी बोर्ड खुद आपको बताता है कि आपको किन चीज़ों से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक्स की। इस बार तो आपको मासिक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तो उस टाइम पर एमपी बोर्ड आपको मॉडल्स पेपर भी देगा, चार चार सेट आएंगे। अगर आप इनको भी पूरा पढ़ के जाओगे तो बड़े ही आराम से 80% स्कोर कर सकते हो। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन बैंक्स की। मासिक टेस्ट के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, हर महीने मासिक टेस्ट हो ही रहे हैं आपके। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो आप भी इनको देख सकते हैं विमर्श पोर्टल के थ्रू। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करके देखना है। तो क्वेश्चन बैंक आपकी इस बार की कब तक आएंगी वो भी बताऊंगा, साथ में उनमें से कितना पेपर में आता है, कितना परसेंट पूछा जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एमपी बोर्ड की तरफ से। यानी कि एमपी बोर्ड खुद अपनी क्वेश्चन बैंक बनाता है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं आपके 2 नंबर के 3 नंबर के। यानी कि आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैसा भी जो भी उस चैप्टर में से आना है वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिए जाते हैं। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन बैंक जारी नहीं की गई थी, इस सेशन में यानी कि 2024-25 में क्वेश्चन बैंक जारी होंगी या फिर नहीं होंगी न्यू एडिशन की, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप भी अपने इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। एंड ये आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। एंड इंग्लिश का अगर अपन बेस देखें तो वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नरेशन का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, और भी काफी सारी चीजें होती है जो कि आप इस बुक के थ्रू सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हो। यानी कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अब सेंटेंस बनाने आपको आ गए तो जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स में रिटन फॉर्म से एक्सप्रेस कर पाओ, तभी तो आप उसको स्पोकन में कन्वर्ट करोगे। इस बुक में आपको एक राइटिंग कंपोजिशन का सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें कि आप सीखते हो स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेस एंड स्पीच राइटिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन तो आएंगे ही, जैसे कि स्पॉटिंग एरर हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गए, तो वो सारी चीजें भी आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हो। यानी कि एक ही बुक में आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई भी डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी अच्छी बुक मैंने भी पर्सनल यूज कर रखी है, तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से बाय कीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए, वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी क्वेश्चन बैंक आती हैं, डिफरेंट ब्रांड की आती हैं, पर ये जो क्वेश्चन बैंक होती है ये एमपी बोर्ड खुद ही आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि एमपी बोर्ड के जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो भी सीनियर टीचर हैं, वो ये क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं। एंड ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इन क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दिए हों किसी भी चैप्टर से, इसमें आपको क्वांटिटी अच्छी खासी दी होती है, उसके बाद आपका पेपर नहीं जाता है। बट इस बार की क्वेश्चन बैंक आएगी या फिर नहीं आएगी ये आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में यानी कि 2023-24 में क्वेश्चन बैंक जारी नहीं की गई थी, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए थे। बाकी अदर जो ब्रांड की आती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, पर अगर एमपी बोर्ड आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है खुद से तो कहीं ना कहीं वो काम की तो होगी। ऐसे ही आपको आगे मॉडल्स पेपर दिए जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दूंगा। अभी देखिए, क्वेश्चन बैंक आपको कैसे चेक करनी है, तो आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है विमर्श पोर्टल, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़े से जूम करके देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा शैक्षणिक सामग्री का, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको चूज करना रहेगा कि आप 9th में हैं 10th में हैं 11th में या फिर 12th में हैं। साइड में आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वरना सारे सब्जेक्ट आपके नीचे आई जाएंगे। अब इन सब्जेक्ट पर आप जैसे एंटर करेंगे तो यहीं पर आपके क्वेश्चन बैंक आती थी अभी तक, बट प्रीवियस सेशन में नहीं आई। एंड इस सेशन से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक की जगह पर आपको मासिक टेस्ट दिए जा रहे हैं। यानी कि आपके महीने में जो भी सिलेबस वो करवा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं से वो टेस्ट बना के यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। एंड यहीं से प्रिंट करवा के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है वो बच्चों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल से तो आप भी मासिक टेस्ट यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं। अब यहाँ पर एमपी बोर्ड ने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी हैं, अब आपको क्वेश्चन बैंक नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि अब आपको दिए जा रहा है मासिक टेस्ट। क्वेश्चन बैंक में आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन एक साथ ही आपको दे दिए जाते थे,
पर आपके जो मासिक टेस्ट है इसमें आपको चैप्टर के हिसाब से हर महीने कितना कितना सिलेबस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सभी मासिक टेस्ट को जो कि स्टार्टिंग से एंड तक के आप पूरे इकट्ठे करोगे तो ये आपकी क्वेश्चन बैंक की बन जाएगी। पर यहाँ पर उम्मीद काफ़ी कम है कि आपकी इस बार की क्वेश्चन बैंक डिफरेंट तरीके से जारी की जाए। इस बार आपको मासिक टेस्ट दिए जा रहे हैं, बट फिर भी अगर क्वेश्चन बैंक आती है आगे जाके तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बाकी अगर आप चाहें तो अदर ब्रांड्स की क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ जाइए, वही आपकी क्वेश्चन बैंक होती है। बाकी आप सिर्फ पैसे वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते हैं, जिसके प्रूफ्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियोज़ में। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।